मुख्य सम्मानित आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करूंगा कि इस प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सबको अपना स्नेह संबोधन देंगे। आज का यह शुभ अवसर कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व और उससे भी आज हम सबके लिए शुभ अवसर कि आज गुरुदेव के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं और मैं पराजी के चरणों में वंदन करते हुए मैं और बीना दोनों और पूरा परिवार सिस्टर भी आई हैं और हम सब पूरे लोग उनके चरणों में वंदन करते हैं क्योंकि एक बात मैं कह सकता हूँ भक्ति में शक्ति होती है या गुरु का आशीर्वाद जो होता है कितना अमूल्य होता है कितना मूल्यवान होता है उसको हम लोगों ने देखा है अनुभव किया है। जब वेदांता में बहुत ही डॉक्टर भी निराश हो गए थे तो मगर गुरु जी का एक निर्देशवर महाराज का एक विश्वास और वो ये बोल के गए चिंता मत करो ठीक हो गए और रायपुर में मैं आके मिलूंगा और वो उस समय का उनका कहा हुआ शब्द डॉक्टर भी इसको डॉक्टर भी मानने को तैयार नहीं थे। अमेरिका से भी लौट आए थे लगता नहीं था कि कुछ होगा मगर महाराज जी ने कहा नहीं सब ठीक होगा और काहे के लिए निराश होते हो सब भगवान ठीक करेगा। उनकी वाणी में जो शक्ति थी विश्वास था वो अद्भुत विश्वास हम लोगों ने महसूस किया और निश्चित रूप से लंबे संघर्ष के बाद बिना पूर्ण स्वस्थ होके और एकदम नॉर्मल लाइफ में आ गई तो कहीं ना कहीं गुरुदेव का आशीर्वाद रहता है। मुझे कुछ बोलना था नहीं मगर मैं तो सिर्फ आज ये शुभ अवसर पे जन्माष्टमी का अवसर हम दोनों ने कहा कि गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे इस मंच में इतना शानदार आयोजन चल रहा है इतने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से महाराज जी का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और उनका आशीर्वाद उनका स्नेह उनकी कृपा पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह और छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में और हजारों लाखों उनके मानने वाले निश्चित रूप से उनके ऊपर भक्ति रखते हैं श्रद्धा रखते हैं और हम सब इस शुभ अवसर पे आए हैं और उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे और ऐसे ही उनका प्रेम छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति बना रहे। निश्चित रूप से हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं उनका पूरे 2.5 करोड़ जनता की ओर से आज इस शुभ अवसर पे उनका सम्मान करता हूँ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप हम सबसे जुड़े रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। ओ ये बोलेंगे 2 मिनट हाँ 2 मिनट बोल के जाएंगे आप बैठिए बैठिए ठीक है। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व में बहुत शुभ और बहुत संतुष्टिपूर्ण वातावरण लग रहा है। ऐसा लगता है सही भक्तों के बीच हम लोग आ गए हैं। सही माने में एक जरूरत में गलती कर रही हूँ सबसे लास्ट में सबसे बड़ा बोलता है और आपके मुखिया बोल चुके हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए पर हम महिलाएं हैं कहीं कहीं गलती कर देते हैं तो उसके लिए माफी चाहूंगी आपके मुख्यमंत्री जी से महाराज जी से भगवान से भी। तो महाराज जी ने आदेश किया कि आप बोलिए तो बोलने के लिए तो कुछ नहीं था आशीर्वाद लेने ही आए थे हम लोग पर अब जब बोले हैं महाराज जी तो बोलना पड़ रहा है तो आप सब माफ करिएगा मुझे क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की बात नहीं बोलना चाहिए।
हम सब बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में, बहुत बड़ी भक्ति में लीन आदर्श को देख रहे हैं। इस तरह की अगर भक्ति हो तो हम सबका कभी कुछ कम ना पड़े। मैं जिस जगह से आई हूँ, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, सब मालूम है। और ऐसे व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, इनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, हमारे बड़े भाग्य की बात है। हमारा छत्तीसगढ़ और खुशहाल होगा। जन्माष्टमी के पावन पर्व में हम कृष्ण जी को और अपने महाराज जी को सबसे यही दुआ चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को सबको खुशहाल बनाएं, सबको भरपूर आशीर्वाद दें। प्रणाम करती हूँ।